हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रवीण कुमार। मैं आपको बताने वाला हूँ आज ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर, जैसे कि हमारा कभी कभी हमारे पास ऐसा मॉडल्स आते हैं, मॉडल आने के बाद हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग जब इसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं तो ऐसे मॉडल के अंदर हमारे होल्स रहते हैं, जैसे कि ये होल दिख रहा है, इधर भी होल है या इधर भी होल है। और हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम को जब इसके अंदर जनरेट करते हैं तो प्रोग्राम बनाते टाइम पे हमारा प्रोग्राम सब मॉडल होल के अंदर चला जाता है। देखिए, अब ये प्रोग्राम हमारा बना रहा है, तो ये प्रोग्राम हमारा जो बन रहा है इसके अंदर, लेकिन हमको इसको क्या करना है, होल को नहीं बनाने का है। अगर हमको होल को नहीं बनाने का तो हमारा होल तो प्रोग्राम में बनेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये प्रोग्राम को पैच करना पड़ेगा। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। अगर आप इसको ब्लॉक करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें दो तीन ऑप्शन है जिससे हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक बाउंड्री में जाएंगे और यूजर में जाके एक बाउंड्री सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा जिसको पैच चाहिए सिर्फ उसके ऊपर ही बाउंड्री रखेंगे और इसमें जाएंगे और जाएंगे फिर ब्लॉक में। जाने के बाद हमारे पास प्लेन में इधर ऑप्शन आएगा ऊपर और लेवल का, तो आप ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे तो आप इधर पैच आ जाएगा, पैच तो आ जाएगा ये देख सकते हैं आप, लेकिन इसमें गैप रहेगा, इसमें आप देख सकते हैं कि इधर गैप है, तो आपका प्रोग्राम जो रहेगा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि वो भी मैं आपको बना देता हूँ, दिखा देता हूँ। क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है इसके अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके टॉप पे प्लेन बना हुआ है, टॉप पे प्लेन बना हुआ है, लेकिन उसके बाजू में जो प्रोफाइल है वो हमारा जो है शेप बराबर बनेगा नहीं, जैसा हमको चाहिए प्रोफाइल में वो हमारा शेप बनेगा नहीं। अभी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि जो शेप है हमारा कितना टेढ़ा है, ये जो शेप है वो थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ऐसा ये देख सकते हैं कि इधर जो शेप है वो टेढ़ा है, क्योंकि इधर गैप है प्रोग्राम में, मॉडल में, तो हमारा बन नहीं रहा। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पैच करना पड़ेगा। तो पैच करने के लिए अगर 2D है प्रोफाइल, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसके हमारा इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, यूजर में जाएंगे और एक बाउंड्री क्लिक करेंगे। जब हम लोग बाउंड्री क्लिक करेंगे तो बाउंड्री लेने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही ऑप्शन जाएंगे मॉडल में और उसको प्लेन करेंगे। जैसे हम लोग प्लेन करेंगे तो ये हमारा पैच हो गया, लेकिन इसके अंदर क्लिक कहीं भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, गैप दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये 2D प्रोफाइल पे है। इसको मैं आपको 2D दिखा देता हूँ, ये 2D प्रोफाइल पे, ये देखो जेड जी 2D प्रोफाइल पे है, लेकिन ये जो है ये 3D प्रोफाइल पे, इसके लिए ऐसा हो रहा है। तो इसको हमको पैच करना पड़ेगा, कैसे, इसको मैं क्या करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। इसको पैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट, पहले आपको दोनों को इसको कॉपी, सरफेस को कॉपी कर लेना, जिसको आपको पैच करना है उसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको आना पड़ेगा पावर शेप में, आने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट कर देना पड़ेगा। पेस्ट करेंगे फिर हमको क्या करने का, पैच करने का। इसको पैच कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो पैच करना है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इसको और इसको हमको पैच करना है, सेलेक्ट कर लेंगे पहले इसको, ऐसा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद सरफेस में जाएंगे, इधर ये सरफेस का ऑप्शन में जाएंगे, सरफेस पे क्लिक करेंगे, तो पहला जो हमारा है स्मार्ट सरफेस करके उसको क्लिक करेंगे। करते ही हमारा ऑटोमेटिक इसमें सरफेस 3D के ही प्रोफाइल में शेप में ले लिया है, लेकिन इधर हमारे पास बहुत से ऑप्शन आते हैं जिसमें हम लोग कर सकते हैं। जैसे ऐसा करना रहेगा तो हम लोग इधर हमारे पास ऑप्शन आते हैं, लेकिन जिस ऑप्शन में आपको चाहिए वो उसमें आपको जिसमें आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो मेरे को इसमें चाहिए तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और अप्लाई करके ओके कर दिया। फिर को क्या करना पड़ेगा, इसको पर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे और फिर से अपने प्रोग्राम में आएंगे पावर मिल में, फिर इसको पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा देखिए पैच हो गया, ये पैच हो गया, एक साइड का होल को मैं पैच कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, फिर से प्रोग्राम बनाता हूँ, तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो देख सकते हैं कि अलग हो जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ और फिर से प्रोग्राम को जनरेट कर देता हूँ। तो अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो देख सकते हैं वो कैसा बन रहा है, क्योंकि वो जो हमारा प्रोफाइल है हम अभी देख सकते हैं इसमें थोड़ा भी गैप नहीं है, एकदम सीधा जो हमारा लाइन जा रहा है वो एकदम सीधा सीधा जा रहा है। तो ऐसे हमारा जो ऐसा 3D का शेप है वो हमारा एकदम 3D शेप में बन जाएगा, और इसमें देख सकते हैं गैप आ रहा है, और ये देख सकते हैं कि इधर जो होल है इसमें थोड़ा भी गैप नहीं है, ऐसा थोड़ा भी गैप नहीं है, और हमारा पूरा जो हमारा 3D शेप है ये वाला प्रोफाइल है उसमें हमारा पूरा शेप मैच हुआ है, और उससे हमारा जो प्रोग्राम है वो इजी तरह से बन जा रहा है, और हमको होल नहीं बनाना है और हमारा होल नहीं बनेगा और पूरा प्रोग्राम इजी तरह से बन जा रहा है, ऐसा। तो अगर आपको ऐसा कभी पैच करने के लिए रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया रहेगा। पावर शेप में जाकर हमको पैच करने के लिए ऑप्शन मिलता है, अगर हमको इसमें भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन अगर 2D रहेगा या थोड़ा 3D रहेगा तो कर सकते हैं, बाउंड्री क्रिएट करके प्लेन में जाके हम लोग मॉडल में जाके प्लेन में हम लोग कर सकते हैं। अगर नहीं ज़्यादा रहेगा तो आपको पावर शेप में जाके सरफेस में जैसे मैं बताया आप कर सकते हैं। अगर आपको एक पावर शेप के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ वो आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे में देखेंगे, उसमें भी मैं आप बताया हूँ, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कुछ अगर डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिए, नए रहो चैनल सब्सक्राइब।